अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खानस अकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज हम 9वीं जमात का इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल का जो पहला सबक है सेट, ये पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ नज़र आ रही है, जिसमें फूलों का गुलदस्ता है, परिंदों का झुंड है, आदात का ग्रोह है, या किताबों का गट्ठा है, चाबियों का गुच्छा है, तो इस चीज़ में ये तमाम हर चीज़ के सेट है, जिसे हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं और इसे बता भी सकते हैं। तो जितने भी हमने मस्कूरा वाला हर चीज़ों के ग्रुप को देखा है, इनमें ख़ास लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है हमने। इन तमाम मिसालों में ग्रुप के हर अरकान को हम बिल्कुल सही और वाज़े तौर पर देख सकते हैं और बता भी सकते हैं। इन चीज़ों के ऐसे ग्रुप को हम सेट कहते हैं। चलिए आइए, अब दो तस्वीरें हैं आपके सामने। एक है आपके जमात के होशियार बच्चे और गांव में रहने वाले खुश खुर्रम बच्चे, जो हमेशा खुश रहते हैं। क्या हम इन्हें सेट कह सकते हैं? जी नहीं। हो सकता है आपके गांव में कुछ बच्चे खुश रहते हों, कुछ बच्चे गमगीन भी हैं, कुछ बच्चे नाराज़ भी हैं किसी चीज़ को लेकर। आपके जमात में हो सकता है होशियार बच्चों के साथ कुंद जहन के बच्चे भी हों, जो चीज़ों को थोड़ा सा देर से समझते हैं। तो हम इन मामलात में इन्हें हम सेट नहीं कह सकते, जहाँ पर दो मुमकिनात आ जाते हों। तो जितने भी आपने ये मिसालें देखी, आपने इस पर गौर किया होगा कि ये जो दो अल्फाज है, खुश खुर्रम बच्चे गांव के और होशियार बच्चे, तो ये जो दो लफ्ज़ है, ये मायने के एतबार से हम इन्हें बता नहीं सकते, इसलिए हम इन्हें सेट नहीं कह सकते। तो हम फिर सेट किसे कहेंगे? तो एक बात आप जान लें, जिस ग्रुप के अरकान सही और वाज़ह तौर पर बताए जा सकते हैं, उन ग्रुप को हम सेट कहेंगे। मिसाल के तौर पर अब हम कुछ मिसालें देखते हैं यहाँ पर कि हम इनमें से किस चीज़ को सेट कहेंगे। जैसे कि हफ्ते के 7 दिन, सबसे पहली मिसाल है हफ्ते के 7 दिन, जिसमें पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार, ये हफ्ते के 7 दिन का सेट है, जिसे हम बता भी सकते हैं और वाज़े तौर पर समझ भी सकते हैं। एक साल के जो महीने हैं, एक साल में कितने महीने आते हैं? 12 महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये 12 महीनों का सेट है। जमात के बहादुर बच्चे, अब किसी जमात में ज़रूरी नहीं कि बहादुर बच्चे ही हो, कुछ बच्चे थोड़े से जिस्मानी तौर पर कमज़ोर भी होते हैं, तो वो हर मामलात में आगे नहीं आते, तो वो थोड़े से, ऐसा नहीं हम डरपोक नहीं कह सकते उन्हें, लेकिन वो अपने आप को ऐसे मामला से दूर रखते हैं, तो वो क्या वो बहादुर नहीं है? ज़रूरी नहीं है हम उसे उन्हें कह सकते हैं। तो हर जमात में बहादुर बच्चे नहीं हो सकते। जैसे गिनती के चौथी जो मिसाल है, गिनती के पहले 10 नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम कह सकते हैं। महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ यानी किले, इन्हें हम सेट नहीं कह सकते, इसलिए देखिए हमने यहाँ पर जमात के बहादुर बच्चे और महाराष्ट्र के मजबूत किलों का सेट नहीं बनाया है, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते उन्हें कि कौन सा किला मजबूत है। हम किसी भी किले को मजबूत कैसे चेक करते हैं? जलजला अगर आया और उन जलजला के दौरान उन किलों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो वो कहलाएंगे कि वो मजबूत किले हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किला मजबूत हो, तो हम उन्हें ऐसे किलों को बता नहीं सकते कि वो मजबूत है या नहीं। तो ऐसे जो सेट होते हैं, हम उन्हें सेट बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, उन्हें हम सेट बिल्कुल नहीं कह सकते। छठी और आखिरी मिसाल है जिसे हम सेट कह सकते हैं, वो है हमारे निज़ाम शमसी के सैारे, जैसे कि अतारुद, जहरा, ज़मीन, मर्रेख, मुश्तरी, जहल, यूरेनस, नेपचून, ये ऐसे सैारे हैं जो हमारे कायनात में मौजूद है। तो ये ऐसी कुछ मिसालें थी जिसमें कुछ चीज़ें थी जो सेट थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सेट नहीं थी। तो चलिए आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि सेट को ज़ाहिर कैसे किया जाता है। नॉर्मली अमूमन ए, बी, सी, डी, यहाँ तक के जेड तक, तमाम जितने भी हर्फ है उन्हें सेट को ज़ाहिर किया जाता है, और सेट को लिखने के लिए महरबी कॉस का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें मौजूद जितनी भी हरूफ होते हैं, जितने भी आदाद होते हैं,
या उसमें आदाद हो सकते हैं या हुर्फ हो सकते हैं या हफ्तों के नाम, जैसे हमने देखा। यहाँ पर हम उसके अंदर के अनासिर को या सेट में मौजूद अरकान को हम छोटी ए बी सी डी, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ऐसे करते करते जेड तक हम बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहना चाहें कि जो स्मॉल ए है वो सेट ए का रुकन है, तो रुकन है के लिए हमें एक निशानी है जिसे कहते हैं बिलोंग्स टू, ये लगाई जाती है। बी जो है वो सेट ए का रुकन है, तो इसे हम कहते हैं कि ए सेट ए का रुकन है, बी सेट ए का रुकन है, इस तरह से हम बता सकते हैं। मान लीजिए अगर यहां पर ए और बी, अगर ए सेट में ए और बी ना हो तो हम ऐसे बताएंगे कि ए सेट ए का रुकन नहीं है, बी जो है वो सेट ए का रुकन नहीं है। तो हमें यहां पे कुछ इस तरह से लिखना होगा कि ए सेट ए का रुकन नहीं है, बी सेट सेट ए का रुकन नहीं है। तो इस तरह से तमाम सेट को बताया जा सकता है, जाहिर किया जा सकता है। चलिए कुछ मिसालें लेते हैं, जैसे कि सेट एन जो होता है जिसमें तमाम तबई आदाद का सेट होता है, इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसमें एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे जहाँ तक गिनती है वहाँ तक, और इस तरह से महरबी कॉस में लिखा जाता है, इन्हें तबई आदाद का सेट कहा जाता है, तबई आदाद का सेट। एक दूसरा सेट है जिसमें जीरो से उसकी शुरुआत होती है, इसे मुकम्मल आदाद का सेट कहते हैं, इन इंग्लिश के लफ्ज हुरूफ W से जाहिर किया जाता है, मुकम्मल आदाद का सेट। अब देखेंगे सही आदाद का सेट। सही आदाद को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, इसलिए इसे आई से जाहिर करते हैं, मैरबी कॉस लगाएंगे, इसमें जीरो भी होता है, प्लस वाले आदाद एक तरफ और माइनस वाले आदाद एक तरफ। इन्हें आई से जाहिर किया जाता है क्योंकि सही आदाद को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है। जितने भी नातिक आदाद होते हैं उन्हें क्यू से जाहिर किया जाता है, इसमें जितनी भी आदाद होते हैं वो पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी एक बटा दो, दो बटा तीन, चार बटे पांच, ऐसे जितने भी आदाद होते हैं वो नातिक आदाद कहलाते हैं, जिसमें पी और क्यू ये नातिक आदाद होंगे लेकिन क्यू इसमें जीरो कभी नहीं होगा, और आर जिसे रियल नंबर यानी हकीकी आदाद कहते हैं, हकीकी आदाद कहते हैं, जो आपने आठवीं जमात में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे आदाद का जो सेट हमने आपको बताया, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी। शुक्रिया।